यार नेटफ्लिक्स को अपना सब्सक्रिप्शन रेट कम कर देना चाहिए या फिर एमएक्स प्लेयर से कुछ सीखना चाहिए। सो हेलो कंटेंट आर्मी, मैं हूँ देवांशु और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमएक्स प्लेयर पे रिलीज हुई नई मिनी वेब सीरीज बेसमेंट कंपनी का रिव्यू। तो बिना टाइम पास किए लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। रिव्यू चालू करने से पहले मैं बता दूँ कि अब से मैं रेटिंग सब्जेक्ट वाइज दूंगा, जैसे कि प्लॉट के लिए अलग रेटिंग, डायरेक्शन के लिए अलग रेटिंग और भी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग रेटिंग। और फाइनल रेटिंग तो इस वेब सीरीज़ और बाकी सबकी मैं दूंगा ही। सो इस वेब सीरीज़ में हमें देखने को मिलते हैं 5 एपिसोड्स और सभी एपिसोड की लेंथ 20 to 30 minutes है। और ये वेब सीरीज़ कब चालू होती है और कब ख़त्म होती है ये हमें पता ही नहीं चलता, जो कि इसका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और इस वेब सीरीज़ में हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं सिमरन, राज और राहुल, जिनका रोल अपूर्वा अरोरा, गगन अरोरा और मयूर मोरे ने किया है। मतलब इन्हें कौन नहीं जानता। सो अब बात करें प्लॉट की, तो इस वेब सीरीज़ में हमें कोई प्रॉपर स्टोरी तो नहीं देखने को मिलती, फिर भी अगर मैं आपको कोई आइडिया देना चाहूँ तो हमें दिखाए जाते हैं 3 फ्रेशी जो ऑफिस में नए नए ज्वाइन हुए और उन्हें किसी वजह से अपनी डेस्क बेसमेंट में शिफ्ट करनी पड़ती है। और फिर अलग अलग एपिसोड में हमें ऑफिस की अलग अलग प्रॉब्लम दिखाई जाती है जो फनी वे में पोर्ट्रेट की है, जो कि हमें अच्छा भी लगता है स्टार्टिंग के एपिसोड्स में, पर एंड आते आते हमें लगता है कि डायरेक्टर क्या दिखाना चाहता था इस वेब सीरीज़ में। और साथ ही इस वेब सीरीज़ में हमें ह्यूमर से भरे मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जो हमें कभी हंसाते हैं तो कभी नाकामयाब भी होते हैं हंसाने में। और मैं प्लॉट को देना चाहूँगा 2 out of 5 stars क्योंकि इसकी भटकी हुई स्टोरी की वजह से। और अब बात करें एक्टर एंड देयर परफॉर्मेंसेस की, तो सभी लीड कास्ट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और साथ ही जो सरप्राइज पैकेट है वेब सीरीज में वो है जिन्होंने पंकज जी का रोल निभाया है, और बाकी की कास्ट ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है। तो कास्टिंग को मैं इस वेब सीरीज़ को देना चाहूँगा 4 out of 5 stars। और अब बात करें डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की, तो डायरेक्शन इस वेब सीरीज़ का अच्छा है। मतलब पूरी वेब सीरीज़ को एक ही ऑफिस में शूट किया गया है और स्क्रीन प्ले तो इसका अच्छा है ही, जिसकी वजह से हम बिना बोर हुए पूरी वेब सीरीज़ को एक ही बार में देख सकते हैं। तो मैं डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले को देना चाहूँगा 3.5 out of 5 stars। और अब मैं बात करूँ सॉन्ग्स एंड BGM की, तो सॉन्ग्स के नाम पे हमें वेब सीरीज़ में पुराने बॉलीवुड के सॉन्ग्स देखने को मिलते रहते हैं जो कि बीच बीच में आते रहते हैं, और मैं इसे रेटिंग देना चाहूँगा 3 out of 5 stars क्योंकि सॉन्ग सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छे से यूज़ किए गए हैं। सो अब बात करें फाइनल रेटिंग की, तो मैं इस वेब सीरीज़ को देना चाहूँगा 3 out of 5 stars क्योंकि इसके अच्छे स्क्रीन प्ले और कास्ट की वजह से, और साथ ही इसकी स्टोरी भी भटकी हुई है जो कि स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी लगती है पर एंड आते आते हमें थोड़ा निराश करके चली जाती है। सो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस वेब सीरीज़ को एक बार तो देख ही सकते हैं और ये आपको बोर तो नहीं करेगी, और ख़ासकर अगर आपको ये फ्री में देखने को मिलती है एमएक्स प्लेयर पे तो आप इसे देख ही सकते हैं। और आजकल पैसे देके भी कहाँ अच्छी वेब सीरीज़ देखने को मिलती है। सो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको सबसे पहले देखने को मिले। और अगर आपने ये वेब सीरीज़ देख ली तो आप क्या सोचते हैं वेब सीरीज़ के बारे में वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई मूवी या वेब सीरीज़ का रिव्यू करूँ तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। सो अब मैं मिलूँगा आपको कोई नई मूवी या वेब सीरीज़ के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए मैं मूवी सैरा साइनिंग ऑफ़।